चलो मैंने आयुष इसको ने भी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर कर दी है। चलिए गाइस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, एक और बड़ा गेम यहाँ पे एनएक्सटी 2 वर्सेस जीडब्ल्यू के। और आज की लाइनअप तो आप लोगों ने देख ली होगी। ओके लेट्स सी गाइस, चलिए एक और गेम यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ। मैक्सा है यहाँ पे, ब्रोली है, ब्लेड्स हैं, मार्शल हैं। क्या लगता है गाइस इस गेम में कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मार सकती है? अगर जीडब्ल्यू के की बात की जाए तो भाई स्टार्टिंग में 4 में से 3 गेम इन्होंने जीते हैं, और अगर यहाँ पे एनएक्सटी 2 की बात की जाए तो इन्होंने भी 4 में से कहीं ना कहीं 3 मैचेस यहाँ पे जीते हैं गाइस। ओके एनएक्सटी 2 ने 4 में से 3 जीते हैं या फिर 4 में से 4 जीते हैं? दो प्लेयर यहाँ पे नॉक, ब्रोली को देखते हैं यवी को। क्या शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पे लेकिन नॉक इधर से भी लिए ब्रोली, कहीं ना कहीं क्लच के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे। अकेले प्लेयर बचे हैं ब्रोली, 1v3 तो वो लगाई है, पीछे प्लेयर हैं लेक्सी, 1v3 यहाँ पे। अच्छा यवी को ब्रोली, अरे अरे कमाल, अरे भाई क्या बात है, जबरदस्त। बट यहाँ पे गाइस सिल्वर का डबल किल आता हुआ, ब्रोली कह रही बहुत ज्यादा क्लोज थे यहां पे क्लच के। रुको मैं एक बार देखता हूं कि किसके किससे मैचेस थे। अच्छा हाँ हाँ वही जीती, क्योंकि फर्स्ट गेम यहाँ पे एनएक्सटी 2 यहाँ पे नोवा से यहाँ पे हार गई थी, तो मतलब दोनों ही टीमें 4 में से 3-3 मैचेस जीती हैं। ओके और कहीं ना कहीं इसके बाद में गाइस इन दोनों में से भी कहीं ना कहीं 2 टीमें हो जाएंगी टॉप पे, जो 5 में से 4 गेम यहाँ पे इस टूर्नामेंट में अभी के टाइम में जीती है। ओके ये अभी को मैक्सा, लेट्स सी पीछे प्लेयर को देखा जरूर है, देखते हैं मैक्सा किस तरीके से यहाँ पे खेलने वाले हैं। ब्रोली की बात की जाए तो थोड़ा सा पीछे है, ब्लेड्स की बात की जाए पीछे है, मार्शल यवी को। ओके मार्शल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए करण के स्क्वाड को देखते हैं गाइस। आयुष की बात की जाए तो काफी अच्छा यहाँ पे खेलते हैं, और पिछले गेम में आप लोग पता है लास्ट गेम में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं नोवा के अगेंस्ट एक तरफा मैच रहा था, बट आयुष आज फर्स्ट गेम से ही है यहाँ पे। ओके यवी को दिलबा, खत्री की बात की जाए 2 फिनिश यहाँ पे खत्री ने निकाले हैं। मैडेक्स ने भी यहाँ पे प्लेयर को देखा है पीछे, जी हाँ प्लेयर को देखा है, बार बार निकल जरूर है शॉट लेने के लिए, और दिलबर को यहाँ पे नॉक कर दिया। एनएक्सटी 2 की बहुत ही खतरनाक शुरुआत। ओके ब्रोली ने वहां पे नॉक किया, मैक्सा ने वहां पे फिनिश किया। ओके क्या मैक्सा यहाँ पे नॉक निकाल पाएंगे? चलिए लेट्स सी गाइस, मैन एडवांटेज कहीं नहीं, एनएक्सटी 2 के पास में रोले बिल्कुल क्लोज में यहाँ पे जाते हुए, और बहुत ही प्यारा यहाँ पे नॉक। ओके लेट्स सी, अरे कमाल यहाँ पे ब्रोली कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड से ही खतरनाक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके मैडेक्स यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हैं, मैडेक्स ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया, पीछे प्लेयर है, 2 प्लेयर को नॉक किया। ओके पीछे प्लेयर रिवाइव हुए हैं, और मैक्स यहाँ पे फिनिश करते हुए, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 1-1। जी हाँ फर्स्ट राउंड यहाँ पे जीडब्ल्यू करण, सेकंड कहीं ना कहीं एनएक्सटी 2 यहाँ पे निकालती हुई, और ब्रोली कहीं ना कहीं 4 फिनिश ब्रोली कर चुके हैं, और एक यहाँ पे मैक्सा। इधर से बात कीजिए तो फर्स्ट राउंड में 2 किल खतरी ने निकाले थे, 2 ही किल कहीं ना कहीं यहाँ पे दिलबर ने। भाई फ्री फायर डेड, फ्री फायर देखो पहले से देखो कम्युनिटी तो डाउन हुई है, बट अभी के टाइम में काफी ज्यादा डाउन इसलिए क्योंकि देखो अभी के टाइम में स्ट्रीमर्स का तो वही है कि यार इसी टाइम आईपीएल है और इसी टाइम ही टूर्नामेंट के भी मैचेस हैं। ओहो मैक्सा को यहाँ पे नॉक कर दिया इस बार। चलिए ब्रोली को देखते हैं, क्या ब्रोली ने पीछे किसी प्लेयर को देखा है? अरे भाई क्या मारे भाई, इतना क्लोज में यहाँ पे हेडशॉट। ओके खत्री आगे बढ़ते हुए, खत्री भैया ये क्या पहन के आए हो, मतलब सामने वाले प्लेयर पिंगल जाएं। खत्री तो अलग ही पहन के आए, खत्री खत्री खत्री, और ले ली गई यहाँ पे, मतलब नॉक हो गए। ओके चलिए, अरे भाई मैड एक्स अभी यहाँ पे खेले प्लेयर, ब्रोली का कहीं यूएमपी का प्यारा शॉट, और भाई 3 राउंड में 6 फिनिश यहाँ पे निकाल चुके हैं ब्रोली। मैड एक्स के लिए 1v2 है। जी हाँ ब्रोली और यहाँ पे मार्शल, ब्रोली की बात की जाए तो क्लोज में है, यहाँ पे मार्शल की बात की जाए तो वो भी कंटेनर के पास में, देखते हैं क्या वो स्पॉट कर पाएंगे मैडेक्स को।
बर्डमैन एक्स एक जगह नहीं रुक रहे, देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड प्लेयर की खासियत, स्पेशलिटी, ओके चलिए, लेट्स सी गाइस, 1v2, हियर वी गो ब्रोली, ओके कहने के ब्रोली ने देख लिया यहाँ पे, ओहो ब्रोली ने शॉट यहाँ पे कनेक्ट किया, बट लोकेशन यहाँ पे पता चल चुकी है, बट मैडक्स किधर से जाएंगे, मार्शल भाई उधर थे पहले ही, और फिनिश यहाँ पे करते हुए, स्कोर हो चुका है 1-2, जी हाँ 1-2 यहाँ पे स्कोर, चलिए जी हाँ स्कोर 1-2, दो फिनिश यहाँ पे मार्शल कर चुके हैं, ब्रोली की बात की जाए 6 फिनिश, मैक्सा की बात की जाए 1, और इधर से दिलवर एक और के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हुए, और शिम्ब्रो हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, तो इस भाई आप बताइए आप कैसे हो, ओके लेट्स सी गाइस 1-2 यहाँ पे स्कोर, ओके मैक्स आगे बढ़ते हुए, ब्रोली की बात की जाए 6 फिनिश यहाँ पे, ब्रोली ने भी निकाले, हियर वी गो ब्लिट्स, मार्शल क्या यहाँ पे रश करेंगे, जी हाँ रश कर रहे हैं आयुष पे, बट पीछे से मैडक्स वहां पे आते हुए, और तीन प्लेयर कहने के इस बार एक साथ हैं यहाँ पे, अरे मैक्सा का भी बहुत ही प्यारा शॉट, रेड ही रेड यहाँ पे देख रहे हैं यूएमपी से, ओके ब्रोली यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करते हुए, जी हाँ आयुष वहां पे नॉक हुए हैं, और मैक्सा भी वहां पे एक प्लेयर को नॉक करते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये राउंड भी पलट दिया है, शुरुआत यहाँ पे जीडब्ल्यू रन की अच्छी थी, बट राउंड यहाँ पे पलट दिया है, जी हाँ और फिनिश मैक्सा डबल यहाँ पे किल, और ब्रोली की बात की जाए तो भाई हर अभी तक तो कोई राउंड ऐसा नहीं गया है जिसमें बंदे ने किल यहाँ पे नहीं निकाला हो, हर राउंड में यहाँ पे किल देखने के लिए मिल रहे हैं, और इस बार भी एक किल निकाला है, और चार ही राउंड में कहने की 7 फिनिश यहाँ पे कर दिया, भाई खतरी को घोड़ी बनाया जाए, अरे भाई मतलब खतरे की क्या गलती होगी भाई, ये वाला बंडल पहन लिया तो खतरे की गलती है क्या इसमें, भाई मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो यार, ओके ओ 153 का यहाँ पे हेड आयुष का, मैक्सा का हेलमेट यहाँ पे डैमेज हुआ जरूर है, बट रिपेयर किट होगी, जी हाँ रिपेयर किट होगी तो इजीली कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रोली आगे बढ़ते हुए, जी हाँ वुड पिकर के साथ ही अभी को पीछे भी एक प्लेयर को देखा है, ब्लेड्स की बात की जाए, ब्लेड्स के पास यहाँ पे प्लेयर है, चलिए ब्रोली आगे बढ़ते हुए, कहने के क्लोज में प्लेयर जरूर थे, अभी को दिलबा शॉट दे रहे हैं बट कनेक्शन यहाँ पे भी नहीं बैठा है, देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट करेंगे दिलबर, खत्री यहाँ पे अंदर हैं, खत्री भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, क्या खत्री घूम के आएंगे, बट पीछे मैक्सा को देखा उन्होंने, शायद मेरे को लग रहा है पीछे से घूम के जाने वाले खत्री, यार ये टीमों में काफी कमाल की चीज देखने के लिए मिल रही है जिस तरीके से वो फ्लैंक कर रहे हैं, ओके खत्री बट आयुष वहां पे नॉक, ओके आयुष वहां पे नॉक होते हुए, अभी को खत्री आगे बढ़ते हुए दिलबर को भी नॉक कर दिया वहां पे, और भाई यहाँ पे चिया खत्री भी नॉक, अकेले प्लेयर मैडक्स बचे हैं, और सामने है यहाँ पे मार्शल, फाइट काफी लंबी चल रही है, ओहो चलिए वनवीट, अरे 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 भाई क्या है ये, सामने से कौन बचा है, ओ ब्रोली अकेले प्लेयर बचे हैं, सामने मैडक्स है, क्या भूल होगी यहाँ पे मैडक्स के पास, ओ पीछे प्लेयर, ओ ओ ब्रोली पीछे निकल गया, अदरवाइज यहां पे इजी फिनिश था, बट अभी भी ब्रोली निकाल सकते हैं, देखते हैं मैडक्स निकालता है या फिर ब्रोली, ओ ब्रोली राइट हैंड साइड से, मैडक्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर प्लेयर हैं, और देखो तब तक मेडकिट नहीं लगाई तब तक उनको प्लेयर का पता ना चले, और शायद अभी कहने की आवाज आ चुकी है, तो ब्रोली बाहर निकले जरूर है, जी हाँ ब्रोली बाहर निकले जरूर है, ओके चलिए, अरे भाई क्वाड्रा कहीं ना कहीं मैडक्स, गाइस मैडक्स ओपी यहां पे हो जाए चैट में, लिटरली भाई ये नेक्स्ट लेवल था मैडक्स की तरफ से, क्योंकि यार बंदे के तुम एचपी देखोगे ना तो एचपी मेरे हिसाब से 30-40 बची थी वहां पे जब मार्शल भाई से फाइट चल रही थी वहां पे, कमाल कमाल कमाल, बहुत ही प्यारा, और कहीं ना कहीं यार देखो कई दिन पहले मैंने बोला था कि अगर जीडब्ल्यू करंट से पूछा जाए फेवरेट प्लेयर तो मैडक्स ही है, ये प्लेयर भाई आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है बहुत प्यारा खेलने वाला है, बहुत जबरदस्त खेलने वाला आने वाले टाइम में मैडक्स, क्योंकि यार स्टार्टिंग में जब कुछ मैचेस खेले थे तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे बंदे का गेम प्ले देख के मैं समझ रहा था कि हाँ भाई ये बंदा तो भाई नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे,
और इधर से बात की जाए तो फेवरेट प्लेयर अगर देखा जाए इनमें तो कहीं ना कहीं ब्रोली, क्योंकि जिस हिसाब से ये बंदा खेलता है भाई, मतलब क्लचेस इजी पीजी निकालता है यहाँ पे। ओके बट यार जो बैक टू बैक मैडक्स ने हेडशॉट मारे ना डीगल से, बंदा निकल रहा है हेड, फिर निकल रहा है फिर हेड। इस टूर्नामेंट में मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी टीम यहां पे कम है, और इसलिए इस टूर्नामेंट में दो दो बार भी मैचेस हैं हर टीम, यानी कि 7 मैचेस खेल के सीधा सेमी। ओके ये भी आयुष खत्री की बात कीजिए, 2 फिनिश खत्री कर चुके हैं। मैडमैक्स बोल, मैड एक्स बंदे ने नाम लिख रखा है ना, मैड एक्स, मैडमैक्स थोड़ी ना है भाई, मैडमैक्स तो अपनी गिल्ड में है ना। ओके अरे चलिए एनएक्सटी की शुरुआत अच्छी यहाँ पे जी, आप ब्लेड्स यहाँ पे आयुष को नॉक करते हुए। ओके ब्लेड्स भी कहने के नॉक जरूर हुए, और मैक्सा के पीछे से प्लेयर भाई, और देखते देखते ब्रोली अकेले प्लेयर, ब्रोली ने भाई पिछवाड़े पे यहाँ पे गोलियां मारी है खतरी के। ओके 1v2 ब्रोली, अरे कमाल लगा सकते हैं यहाँ पे, क्लच कर सकते हैं ब्रोली, कितने रश करके कितनी जल्दी आगे जाते हैं प्लेयर। ओहो प्लेयर को रिवाइव दिया, बट दोबारा से कहने के नहीं, नॉक नहीं हुआ है, प्लेयर को रिवाइव यहाँ पे हो चुका है, फिर भी 1v2 क्लच यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो दमखम रखते हैं, बट सामने मैडक्स भी है। जी हाँ सामने मैडक्स भी है, चलिए ओके निकले जरूर है यहाँ पे ब्रोली, और यहाँ पे मैडक्स फिनिश करते हुए गाइस, और 3-all यहाँ पे स्कोर। चलिए मैडक्स भी इधर से 8 किल यहाँ पे कर चुके हैं, और ब्रोली की बात की जाए तो इधर से 9 फिनिश यहाँ पे। जी हाँ मैच पहले ही बहुत कांटे की टक्कर पे यहाँ पे चल रहा है, जैसे क्लचेस देखने के लिए मिल रहे हैं ना यहाँ पे टीमों से भाई, वो भी कमाल। ब्रो सेटिंग करवा दो भाई, मेरी सेटिंग नहीं है भाई। शिवम क्या तुम अनाइम देखते हो? नहीं यार अनाइम नहीं देखता, मतलब IPL ही देखता हूँ, और IPL के भी मैच इसलिए मिस कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि यार स्ट्रीम रहती है आधे टाइम, अदरवाइज मेरा मूवीज वगैरह बाकी चीजें नहीं देखता हूँ मैं, मूवीज बहुत ही रेयर हो गई, कभी बहुत ही फ्री टाइम मिल गया तो देख ली, और एनआईएम तो मैंने स्टार्ट वगैरह नहीं किया, फ्री टाइम मिला तो जरूर देखूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज गलत है ये मत देखो, टाइम मिला तो मैं जरूर देखूंगा। ओके चलिए चलिए ये भी दिलबर को देखते हैं यहाँ पे, मैडक्स की बात कीजिए आगे बढ़ते हुए, ब्रोली यहाँ पे पीछे रिलोड कर रहे हैं, बट ब्रोली किस तरफ यहाँ पे निकले। ओके ब्रोली वहां से निकल चुके हैं, ओहो बट यहाँ पे नॉक, और देखते देखते 3 प्लेयर वहां पे नॉक। ओके मार्शल भाई ने यहाँ पे किया, अरे कमाल क्या बात है भाई, 2 प्लेयर को इधर से भी नॉक किया था भाई, क्लचेस तो लग रहे हैं दोनों ही टीम में जबरदस्त यहाँ पे प्लेयर हैं, कैसे भी क्लचेस के इधर से भी देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे। बढ़िया कमबैक बहुत ही प्यारा किया है यहाँ पे GW गरन के स्क्वाड ने, जिस तरीके से यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे GW गरन के स्क्वाड राउंड निकाल रही है वो बहुत ही प्यारा। मैड एस नहीं मेरे भाई, मैड एक्स, खतरी इज इक्वल टू मिया खलीफा, क्या क्या बोल रहे हो भाई। चलिए भाई 4-3 यहाँ पे इसको, जी हाँ GW करंट कहीं ना कहीं यहाँ पे लीड में। ओके मैडक्स ने यहाँ पे ट्राई जरूर किया था, 9 फिनिश वो अभी निकाल चुके हैं। चलिए मैक्सा की बात की जाए, लेफ्ट हैंड साइड 5 फिनिश यहाँ पे मैक्सा, यार इस स्क्वाड से बात की जाए ना, मतलब ये 2 प्लेयर्स तो भाई परमानेंट सही है कि हाँ अच्छा अच्छे के लिए यहाँ पे निकालेंगे हर गेम में, और इधर से मार्शल भाई चल गए तो फिर तो गेम अपना है ही, क्योंकि 2 प्लेयर तो चलते ही हैं, या फिर ब्लेड चल जाए तो फिर भी गेम अपना ही है यहाँ पे कहीं के NXT की तरफ से। और इधर से हम लोग देखे हैं तो आयुष शान जरूर दिख रहे हैं, मैडक्स 9 फिनिश यहाँ पे, दिलबर की बात की जाए 6 फिनिश दिलबर, खत्री यहाँ पे 3, बट खत्री का जो परसों वाला गेम था जो हमारी लास्ट से भी लास्ट वाली स्ट्रीम थी भाई, उसमें क्या मार रहा था खत्री स्विच कर करके, तो बोल नहीं सकते कब कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में हो यहाँ पे, किस तरीके से वहां पे खेले। ओके चलिए दिलबर कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा टीमें यहाँ पे वेट कर रही हैं, क्योंकि पिछले उसमें सीधा कहीं ना कहीं रश हम लोग देखने के लिए मिल रहा था, टीमें यहाँ पे रश कर रही थी। ओके और चलिए ब्रोली यहाँ पे, जी हाँ दिलबर को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं, पर शायद पीछे प्लेयर है, क्या रश मारेंगे मैक्सा, और वो पीछे कौन से प्लेयर है यहाँ पे, अच्छा 2 प्लेयर है, मैडक्स भी है खतरे भी है। ओके और खतरी वहां पे नॉक, चलिए जी हाँ कम बैक कहीं ना कहीं इस बार, और यहाँ पे मैडक्स भी यहाँ पे नॉक, आयुष यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे, आयुष ने एक प्लेयर को नॉक किया और फिनिश यहाँ पे कमाल, 4-all यहाँ पे इसको भाई, मैच किधर भी जा सकते हैं यहाँ पे, NXT2 या फिर GW करंट। ब्रो मूवी देखा, मूवी लास्ट अगर एज अ बात की जाए तो भाई
लास्ट हम लोगों ने मूवी देखी थी, हाँ लास्ट तो पठान देखी थी भाई। डेथ नॉट डेमन स्लेयर टोक्यो रिवेंज जो स्टार्ट इन आई पक्का देखिए। ओके ठीक है ब्रो। ओके चलिए फोर ऑल यहाँ पे इसको दिलबर की बात की जाए, राइट हैंड साइड से दिलबर आगे बढ़ते हुए अभी को मैड चारों प्लेयर इस बार एक साथ हैं। और एनएक्सटी से बात की जाए तो तीन प्लेयर ब्लेड्स अभी पीछे खड़े हैं और कहीं ना कहीं चलिए आ चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि आधी बार प्लेयर उधर ही खड़े खड़े लिमिटेड हो जाते हैं नोवा की तरफ से जैसे हम लोग देखने के लिए मिला था। ओके ये अभी को ब्लेड्स दो फिनिश ब्रोले भाई क्या खेल रहा है बंदा, 12 किल यहां पे 12 फिनिश। ओके चलिए मैक्सा की बात की जाए, 6 फिनिश यहां पे मैक्सा ब्रोली यहां पे 12 और ब्लेड्स की बात की जाए तो 2 फिनिश यहां पे। ओके ब्लेड्स आगे बढ़ते हुए पीछे भी प्लेयर को देखा जरूर है, वुड पिकर के साथ है यहाँ पे। ये अभी को मैक्सा लेफ्ट हैंड साइड और कहीं नहीं के चारों प्लेयर मेरे को लग रहा है फैंस के पीछे हैं। ब्रोली अभी भी वेट कर रहे हैं कि प्लेयर्स किधर होंगे यहाँ पे, जी हाँ कि प्लेयर्स किधर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके ये अभी को मैक्सा, जी हाँ चारों प्लेयर दो प्लेयर आगे निकल चुके हैं चारों प्लेयर पूरा। नेक्स्ट की तरफ से बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे मैक्सा ने एक प्लेयर को देखा, जी डब्ल्यू करन इस बार फंस सकती है यहाँ पे, जी हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस सकती है। आयुष यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ओके एक बॉल यहाँ पे लगी जरूर है और कहीं ना कहीं आयुष के लिए दिक्कतें हो जाएगी। मैडक्स वहां पे नॉक हो चुके हैं, जी हाँ डिफेंस पे जब भी टीम आई है जब जब यहाँ पे फिनिश हुई है। और मैक्सा का क्या बात है, ट्रिपल किल यहाँ पे मैक्सा का बहुत ही जबरदस्त, पिछले में ब्रोली का ट्रिपल किल इस बार यहाँ पे मैक्सा का और कमबैक दिला दिया भाई क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे जीडब्ल्यू करन ने लीड ले ली थी भाई 4-3 और अब वापस से 4-5 यहाँ पे इसको लग रहा है। इधर से मैक्सा और ब्रूली जबरदस्त देखने के लिए मिल रहे हैं, इधर से दिलबर मैडक्स खतरे ने भी तेल निकाले, आयुष कहीं के थोड़े से शांत है भाई। एम आई विन टुडे क्या बात है भाई, दिल जीत लिया भाई, जीतनी चाहिए यार आज, आज तो जीतनी चाहिए भाई यार, वैसे दूरी मार चुकी है। ओके चलिए भाई 4-5 क्या जी डब्ल्यू करन के स्क्वाड कम बैक यहाँ पे करने वाली है। ओके लेट्स सी दिलबर यहाँ पे 6 फिनिश कर चुके हैं, मैडक्स यहाँ पे नो, कहने की जो भी टीम मेरे को लग रहा है जो भी टीम यहाँ पे डिफेंस पे आएगी वो कहने की हार सकती है क्योंकि जो भी टीम हम लोगों ने देखी है डिफेंस पे जाती हुई वही टीम यहाँ पे हारती है। प्लेयर को देखा है यहाँ पे। ओके ये अभी को ब्लेड्स मार्शल भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए रश कर देना चाहिए क्योंकि एक प्लेयर वहां पे फंस चुके हैं, जी हाँ ब्लेड्स भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए पीछे से यहाँ पे मार्शल आते हुए। ओके ब्लेड्स को शॉट यहाँ पे जरूर पड़ रहे हैं, अभी को ब्रोली यहाँ पे सेंटर में, ब्रोली ने एक प्लेयर को देखा जरूर है वहां पे ब्रोली, अरे ब्रोली को कहीं ना कहीं खत्री आगे बढ़ते हुए, अभी को खत्री एक प्लेयर को नॉक करते हुए और देखते ही देखते कहीं ना कहीं कमबैक हो सकता है। मैक्सा यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, ओके मैक्सा यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, चलिए ब्रोली एक प्लेयर को नॉक करते हुए यहाँ पे, ओहो ब्रोली फिर से अकेले प्लेयर बट कमाल कर सकते हैं ब्रोली बट इस बार फिनिश। अब स्कोर यहाँ पे हो चुका है भाई 5 ऑल यहाँ पे, यहाँ 5 ऑल यहाँ पे इसको। भाई ये गेम भी मेरे को लग रहा है पिछले गेम की तरफ जाने वाला है, इतना ज्यादा क्लोज यहाँ पे। चलिए 5 ऑल यहाँ पे इसको, रोली की बात कीजिए 13 फिनिश यहाँ पे निकाल चुके हैं, प्लेट्स यहाँ पे 2 मार्शल यहाँ पे 2 दिलबर इधर से 8 किल दिलबर ने निकाले, मैडक्स ने भी 9 किल निकाले और इस बार सारी टीम पूरा राइट से यहाँ पे जा रही है, जी हाँ राइट से यहाँ पे सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। प्लेट्स को देखते हैं 2 फिनिश यहाँ पे ब्लेड्स ने निकाले, चलिए किस तरीके से यहाँ पे टीम। ओके ये अभी गो प्रोली इधर से दिलबर चारों प्लेयर यहाँ पे एक साथ हैं और मैडक्स ने कहीं ना कहीं M10-14 से यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर दिया 2 प्लेयर को और ओके चलिए मैक्सा भी यहाँ पे जी हाँ खत्री को नॉक करते हुए और फिनिश भी कर दिया 2v2 यहाँ पे फाइट और दोनों ही कहीं ना कहीं इस बार जीडब्ल्यू करन को ये राउंड हाथ से यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर यहाँ पे बचे हैं क्योंकि मैक्सा भी डबल डिजिट में जा चुके हैं इस राउंड में और ब्रोली तो 14 किल यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। ओके ये अभी को मैडक्स और यहाँ पे दिलबा देखते हैं गाइस क्या होगा, शुरुआत देख के लग रहा था करंट के स्क्वाड के पास ये राउंड जाएगा बट अब कहीं ना कहीं प्लेयर निकले हैं, प्लेयर निकले जरूर हैं
Here we go, Maddox. वेट यहाँ पे जरूर किया था. प्लेयर यहाँ पे रश करके आ रहे हैं. Here we go, दिलबर वहाँ पे वेट कर रहे हैं. क्या मैक्सा ब्रोली यहाँ पे रश करके. ओ पीछे भी प्लेयर है. ब्रोली ने यहाँ पे रश किया भाई. कमाल, क्या बात है भाई. क्या आई क्यू वहां पे लगाया ब्रोली ने. बहुत जबरदस्त. ओके वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी यहाँ पे दिलबर को निकलने के लिए. भाई कमाल. ग्लासी है पे वेलकम टू एनसीआर भी. क्या बात है. ओके यहाँ भी को ब्रोली भाई 15 फिनिश ये प्लेयर कर चुका है. कमाल. ओके दिलबर, चलिए दिलबर यहाँ पे क्या कुछ करेंगे. और मैक्सा यहाँ पे फिनिश करते हुए 5-6 यहाँ पे स्कोर. कहीं ना कहीं गाइज बिल्कुल हाथ से जाता हुआ राउंड यहाँ पे निकाला है मैक्सा और ब्रोली ने. बट कमाल, बहुत ही प्यारा यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स भाई कमाल के लिए यहाँ पे निकालते हुए 11 और यहाँ पे 15. दो प्लेयर शांत हैं फिर भी यहाँ पे वो कमी महसूस नहीं होने दे रहे यहाँ पे. यानी कि 2v4 यहाँ पे सिचुएशन निकाली क्योंकि दोनों प्लेयर स्टार्टिंग में नॉक हो गए थे. मैक्सा और ब्रोली ने 2v4 यहाँ पे राउंड. देखते हैं गाइस कुछ भी हो सकता है. क्या GW करंट कमबैक करेगी. लेट्स सी. के दो प्लेयर यहाँ पे राइट हैंड साइड से और दो ही प्लेयर लेफ्ट साइड से. NXT की बात की जाए तो चारों प्लेयर यहाँ पे चारों प्लेयर ही राइट साइड से यहाँ पे जा रहे हैं. यहाँ को मैक्सा यहाँ पे शॉट लगाते हुए. ओके मैक्सा यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. देखो जो पोजीशन है वो तो NXT के पास काफी कमाल की है क्योंकि चारों प्लेयर की ऑलमोस्ट लोकेशन है उनके पास. और GW करंट हो सकता है कि घर में फंस के यहाँ पे रह जाए. और मैडक्स को वहां पे शॉट भी पड़े हैं. जी हाँ NXT यहाँ पे निकाल सकती है. पोजीशन काफी अच्छी है उनके पास. और एक ही राउंड यहाँ पे चाहिए क्योंकि 6 वॉल पे जाके यार आप लोग पता है कहीं के बहुत सारे प्लेयर नर्वस भी हो जाते हैं यहाँ पे. ओके यार वो प्लेयर भाई फिर से बहुत ही प्यारा शॉट. कपिल ठाकुर NC आर्मी में आपका वेलकम है मेरे भाई. वेलकम टू NC आर्मी. ओके भाई घेर लिया यहाँ पे GW करंट को कहीं ना कहीं चारों. बट खतरी ने मैक्सा को नॉक कर दिया. अरे कमाल. बट 2v2 फाइट है यहाँ पे. यह भी गो ब्लेड्स यहाँ पर दे रहे काम. यहाँ पे बन जाएगा मैक्सा को कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवाइव दे रहे. और मार्शल भी वहां पर रिवाइव दे रहे. जी हाँ कहीं ना कहीं हाथों में ही यहाँ पे राउंड है. एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हुए हैं पीछे मार्शल. और अब आइयो अकेले प्लेयर 1v2 यहाँ पे सिचुएशन. ओके ब्रोली को कहीं ना कहीं फिनिश कर रहे हैं 1v2. और शायद एक और प्लेयर को रिवाइव यहाँ पे दे सकते हैं. रिवाइव यहाँ पे मिल चुके हैं. जी हाँ आयुष के लिए 1v3. बट क्या ही मैच हुआ है. बहुत ही खतरनाक जबरदस्त. और मानना पड़ेगा भाई मैक्सा और ब्रोली ने किस तरीके से यहाँ पे ये वाला गेम संभाला है. ओके जोन पीछे बन रहा है बट 1v3 है. और आयुष कहने के आज वो फॉर्म में यहाँ पे देखने के लिए मिल भी नहीं रहे. एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया था और मैक्सा यहाँ पे फिनिश करते हुए 5-7 से NXT2 फर्स्ट गेम यहाँ पे निकाल लिया गाइस. NXT2 कहीं ना कहीं ओपी हो जाए. नॉन सो भाई स्मूथ कब खेलेगा. भाई स्मूथ जो हमारा मैच था ऑलरेडी हो चुका है. बट भाई किल्स 15 किल यहाँ पे जो कि यार देखो ऐसी टीम में लिटरली बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है कि कोई प्लेयर 12 14 15 किल यहाँ पे निकाले. चलो 8 से 10 11 12 को भी चलो नॉर्मल मान लो. बट लिटरली 15 किल्स एक गेम में निकालने भाई बहुत ज्यादा मुश्किल. और वो कहीं ना कहीं करके यहाँ पे दिखाया ब्रोली.